अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशीष क्रिएटिव लर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके। सबसे पहले हम इसके स्टेप्स को चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 है मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसको हमने 1 बनाना है। स्टेप नंबर 2, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड। जो भी उस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमें राइट साइड पर शिफ्ट करना है। स्टेप नंबर 3, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है, देन ऐड स्क्वायर ऑफ प्रोडक्ट बोथ साइड। उसके बाद हमने जो प्रोडक्ट आएगा उसके स्क्वायर को इक्वेशन के दोनों साइड्स पर ऐड करना है। स्टेप नंबर 4, सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। अब इन स्टेप्स को हमने परफॉर्म करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है। इन स्टेप्स को हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 हमारा ये था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है क्या है, 7, उसको हमने 1 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब इस कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 7 के साथ इक्वेशन के दोनों साइड्स पर डिवाइड करना होगा। प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 7 7 से कैंसिल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन गया। प्लस 2/7x माइनस 1/7 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म होगी इक्वेशन में उसको हमें राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें -1/7 है। एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x इज इक्वल्स टू 1/7। जब ये माइनस वाली टर्म राइट साइड पर हम शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था कि जो एक्स का कोफिशियंट होगा उसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। एक्स का कोफिशियंट मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। 2/7 है एक्स का कोफिशियंट, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद ये बनेगा 2/14। और इस प्रोडक्ट के स्क्वायर को हमने दोनों साइड्स पर ऐड करना है। टू ओवर फोर्टीन, टू वन जार टू, टू सेवन जार फोर्टीन, मतलब 1/7। इसका स्क्वायर हमने इक्वेशंस के दोनों साइड पर ऐड करना है। करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हमने रफ में वर्किंग की है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर। आप सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो एंड पर हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ये हमारे पास बन गया है x प्लस 1/7 का कंप्लीट स्क्वायर, और हमें यही बनाना था। यहां पर जो साइन होता है हमारे पास x वाली टर्म के साथ, वो यहां मिड में आता है, उसी का ही कंप्लीट स्क्वायर बनता है। राइट साइड पर 1/7 प्लस 1/49। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसकी, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे राइट साइड पर 49 और 7 का, तो 49 आ जाएगा। यहां पर ये हमारे पास बनेगा एक्स प्लस 1 प्लस 7 का होल स्क्वायर 8/49। आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी टर्म एक्स प्लस 1/7 स्क्वायर 8/49। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल्स टू 8, बनेगा 2 into √2/7, और ये प्लस माइनस में टर्म आएगी। अब हमें एक्स के जो है वो रूट्स चाहिए, मतलब सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो उसके लिए एक बार ये टर्म प्लस में है और एक बार माइनस में। तो एक बार हम x प्लस 1/7 के साथ इसको प्लस में लिखेंगे 2 into √2/7, और एक बार इसको हम माइनस में लिखेंगे -2 into √2/7।
अभी तक हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा सॉल्यूशन सेट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह से करना है कि हमें यहां से एक्स की वैल्यू चाहिए, जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी उनको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। माइनस एक्स्ट्रा टर्म है यहां 1/7, सेम यहां पर भी माइनस 1/7। अब यहां से हमारे पास ये टू सॉल्यूशन सेट आ गए हैं, टू रूट्स आ गए हैं। एलसीएम लेंगे दोनों का, क्योंकि माइनस है मिड में और इनका हम एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेकर हम सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे इनका। एलसीएम आएगा इसका एक्स इज इक्वल टू 2√2/7 माइनस 1/7, और जो दूसरा हमारे पास आया था एक्स इज इक्वल्स टू −2√2/7 −1/7। अब लास्ट अपीयर के हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो फाइनल एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7√2−1, सेम यहां पर भी 7 एलसीएम आ जाएगा −2√2−1। अब हम एक ही सॉल्यूशन सेट में इनको राइट करेंगे, क्योंकि सेम टर्म्स हैं बस इनके साइंस डिफरेंट है, तो हम सॉल्यूशन सेट इस तरह से राइट करेंगे। −1±√2/7 ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। यहां पर हमारा मेथड कंप्लीट हुआ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और सॉल्यूशन सेट फाइनली हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।